Hey everyone, I'm Sanish Mushtaq from Pro Chef at Home. Welcome to my kitchen, the Pro Chef at Home kitchen. आज मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ चने की तरकारी, आप इसको छोले के सालन भी कह सकते हैं। तो चले इसको बनाने की तरफ चलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 100 ग्राम चिक पीन्स यानी के व्हाइट चने, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था, और इनको बॉइल करते हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था और इसको बॉईल किया था 1 आवर के लिए। क्यूमिन ग्रीन ऑयल, वेट फ्लावर, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर लें। यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमने अच्छी तरह से हीट अप कर लेना है और इसके साथ ही हम लोग डालेंगे आटा और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आटा गोल्डन हो चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी के लाल मिर्च और हमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी के साथ सॉल्ट ऐड करेंगे यानी के नमक हम लोग बहुत ही कम ऐड करेंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। ये हमारा मसाला है जो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको फिर से 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल ना आ जाए। 1 टीस्पून हम अब इसमें टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। 500 ग्राम बॉइल्ड चिक्स बीन्स ऐड करेंगे यानी कि सफ़ेद चने। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे कवर करके 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप लोग जब भी चनों को बॉईल करेंगे आपने उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। क्यों बेकिंग पाउडर इसलिए ऐड करना है कि जो बेकिंग पाउडर होता है चनों को बॉईल होने में हेल्प करता है और उसका जो छिलका होता है उसे उतरने नहीं देता। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बेकिंग पाउडर ऐड करें, आप लोगों ने नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखनी है क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए आप लोगों को नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। आपने इसे अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश करना है। ये लीजिए, आपकी चने की तरकारी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। इट्स रेडी टू सर्व। और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।